नहीं सुनी रे। पैरेललोग्राम चल रहा था ना, क्वेश्चन नंबर 1 क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम का, तो इसमें डायग्राम पहले बना लेते हैं। हाँ, ये कोई पैरेललोग्राम है, नेम ही देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पे ए बी का मिड पॉइंट है एक्स और सी डी का मिड पॉइंट है वाई। ए बी का मिड पॉइंट है एक्स और सी डी का मिड पॉइंट है वाई, ठीक। तो ए को एक्स से ज्वाइन करना है और फिर बी को, ए को वाई से और बी को वाई ज्वाइन करना है, और डी को एक्स से ज्वाइन करना है और सी को एक्स से ज्वाइन करना है ऐसे। अब ये दोनों इंटरसेप्ट जहाँ पे कर रहा है वो एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट है क्यू। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट पी एक्स क्यू वाई इज अ पैरेललोग्राम। प्रूव करना है पी एक्स क्यू वाई इज अ पैरेललोग्राम। चलो बनाओ उसको। बनाना बन गया ना? अभी नहीं बनता है गीत पूरा। एक दिए सारे दिनों में एक्स और वाई मिड पॉइंट है। हाँ ठीक है, एक मिनट। वी कैन स्टार्ट नाउ। बना लेगा तो मान जाएंगे। जरा शाम तक जल्दी करो। हो गया। कर दिया तू? हाँ चल बताओ, पी एक्स क्यू वाई था ना, बोलो। एंगल बी प्लस एंगल सी पूरा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अब एंगल क्यू बी सी प्लस एंगल क्यू सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे ये एंगल बन सकता है क्या? होगा कैसे एंगल बन सकता होगा? नहीं होगा कैसे? अरे होगा, देखिए तो आप एक बार, होगा पक्का होगा। अरे तो एंगल बन सकता नहीं दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिया हुआ है, वैसे नहीं बनाना है। तो आप पिछले बार ऐसे ही बनवाए थे, हम क्या करें? पिछले बार रेक्टेंगल था। हेल्प करो क्वेश्चन। देखो यहाँ बोल रहा था कि एंगल बाइसेक्टर है। नहीं, उसमें भी पैरेललोग्राम ही था।
अरे तो पैरेललोग्राम था ना, ये जो लाइन गया था ये एंगल बाइसेक्टर था। एंगल बाइसेक्टर देखो पैरेललोग्राम के अंदर मिट किया है एस और क्यू, अब तो प्रूव करना था कि रेक्टेंगल है। यहाँ पे देखो वाई और एक्स दे दिया मिड पॉइंट, उसको ज्वाइन किया जाए ए सी और बी से, ठीक है ना। एंगल बाइसेक्टर नहीं है तो वो तरीका तुम्हारा गलत हो गया। देखो ठीक एक कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा जो मैं बताया था साइड में, बाद में चीज आना मुझे। देखो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, जैसे कि मान लो इसका नेमिंग कर दिया है ए बी सी डी, इसमें इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए सबसे मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए वो बता रहे हैं। ए बी इक्वल टू बी सी होना चाहिए एंड ए बी इज पैरेलल टू बी सी होना चाहिए। मतलब कोई भी एक पेयर, कोई भी एक पेयर या तो कोई भी एक पेयर इक्वल होगा एंड पैरेलल होगा तब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से यहाँ पे देखो ए एक्स सी वाई को ए एक्स सी वाई यहाँ लिखते हैं, सुन रहा है ना। हेलो, सुन हाँ ए एक्स सी वाई, तो ए एक्स सी वाई में ए एक्स रहे सी हैं। जब पैरेललोग्राम है तो ए बी इक्वल टू सी डी होगा। अब एक्स वाई मिड पॉइंट है, एक्स वाई जब मिड पॉइंट है तो ए बी बाई टू इक्वल टू सी डी बाई टू होगा, और ए बी बाई टू को क्या लिखेंगे ए एक्स, और सी डी बाई टू को क्या लिखेंगे सी वाई, ठीक है। तो ए एक्स इक्वल टू सी वाई हो जाएगा, और पैरेललोग्राम है तो ए बी इज पैरेलल टू बी सी था ही, जिससे ये आ जाएगा कि ए एक्स इज पैरेलल टू सी वाई। तो अब देखो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल हो गया और पैरेलल हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि ए एक्स सी वाई इज अ पैरेललोग्राम। जैसे ही ए एक्स सी वाई पैरेललोग्राम होगा तो ए एक्स सी वाई का अपोजिट साइड दूसरा साइड जैसे कि कौन सा है ए वाई और सी एक्स, तो लिख सकते हैं ना ए वाई इज पैरेलल टू सी एक्स, ठीक। अब देखो ए वाई इज पैरेलल टू सी एक्स है तो ए वाई को हम ऐसे ये लिख सकते हैं पी वाई इज पैरेलल टू सी एक्स है, इसको लिखते हैं क्यू एक्स। तो यहाँ से आ गया ए पी वाई इज पैरेलल टू क्यू एक्स, इसको मान लो इक्वेशन वन जो बाद में काम आएगा, क्योंकि तो हमको क्या लाना है, हमको लाना है पी एक्स क्यू वाई पैरेललोग्राम जिसमें पी वाई इज पैरेलल टू क्यू एक्स हो चुका, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो गया। अब दूसरा पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल लाना है तो बन जाएगा पैरेललोग्राम। तो जैसे इक्वेशन वन लाए हैं ना उसी टाइप से इक्वेशन टू भी आएगा जिसमें पी एक्स इज पैरेलल टू क्यू वाई होगा, समझ रहा है थोड़ा बहुत। समझ रहे। तो आप देखो आप कौन सा क्वाड्रिलेटर का पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा, क्वाड्रिलेटर बी एक्स डी वाई, क्वाड्रिलेटर बी एक्स डी वाई को पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, देखो ए बी इक्वल टू बी सी होगा, इसके बाद टू से डिवाइड करेंगे तो ए बी बाई टू इक्वल टू बी सी बाई टू, ए बी बाई टू को क्या लिखेंगे बोलो जल्दी, अगर समझ रहा तो। ए बी बाई टू को क्या लिखेंगे, बी बाई टू को एक्स मिले, एक्स एक्स। ए बी बाई टू को आप एक्स ही लिखेंगे ना। अरे तो वो क्वाड्रिलेटरल ए एक्स सी वाई लिए तब ना, अभी हम लेके चले हैं बी एक्स डी वाई, तो उस केस में ए बी बाई टू को क्या बी लिखेंगे। एक्स डी वाई वाई हो गया, बी एक्स डी वाई में हाँ बी एक्स लिखेंगे एक्स भी ले सकते। हाँ और सी डी वाई टू को आप लीजिए डी वाई। तो बी एक्स इक्वल डी वाई हो गया।
अब देखो, जब हम लोग को पता है कि AB is parallel to BC है, तो यहाँ से BX is parallel to DY आ जाएगा ना। तो ये दोनों से क्या लग रहा है कि अपोजिट साइड BX BY का अपोजिट साइड BX equal to DY हो गया एंड BX equal to BX is parallel to DY हो गया। ये दोनों से हम बोल सकते हैं ना कि BX DY इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, इसका रीजन क्या लिखेंगे? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, ऐसे ये रीजन होता है। यहाँ पे वही रीजन लिख देना, जैसे ही बी एक्स डी वाई बना पैरेललोग्राम तो दूसरा पेयर, कौन सा दूसरा पेयर ऑफ लाइन, देखो डी वाई और डी एक्स हो जाएगा पैरेलल, हो जाएगा ना। डी वाई इज पैरेलल टू डी एक्स। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी वाई पैरेलल डी एक्स को प्लस क्यू वाई पैरेलल टू पी एक्स लिख सकते हैं ना। तो यहाँ लिखेंगे क्यू वाई इज पैरेलल टू पी एक्स, इसको मान लो इक्वेशन टू। अब देखो इक्वेशन वन और टू को देखो, तो उसको देख के तुमको ये लग जाएगा कि जो क्वाड्रेटल है पी एक्स क्यू वाई अंदर में, उसका टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए, तो पी एक्स क्यू वाई बन गया पैरेललोग्राम। लिख देना है फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो पी एक्स क्यू वाई इज अ पैरेललोग्राम। कहाँ तक पहुंचा है तुम? हम अभी ए बी पैरेलल टू डी सी, वो तो दो जगह लिखा हुआ है। वो तो दो जगह लिखा हुआ है, तो पेन वाला रखे नहीं हो ऑप्शन की मार्क करके बताए कहाँ पे? अरे इक्वेशन वन ऊपर पूरा से ऊपर, पूरा से ऊपर करिएगा। इक्वेशन वन के पहले था, हाँ वो पहले वाला ए बी इज पैरेलल टू डी सी वाला। तो पैरेललोग्राम के लिए दो कंडीशन अब इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किए हैं, जब इसका पूरा सॉल्यूशन लिख लेगा ना तो बताना कौन सा दो कंडीशन है। बताना कौन सा दो कंडीशन हम इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किए हैं पैरेललोग्राम होने के लिए।
गया। नहीं एक सेकेंड, कुकीज अब नीचे बढ़ाइए। अब कितना नीचे बढ़ा है? बस क्वेश्चन नंबर टू, एक पैरेललोग्राम है। तो दिक्कत यहाँ तक? अरे मतलब पैरेललोग्राम है ड्राइंग करने में लग जाएगा। देखो ए सी डी ये हो गया पैरेललोग्राम। अब देखो ए बी को आगे एक्सटेंड करेंगे, ए बी को ऐसे आगे एक्सटेंड कर देंगे। अब ए बी का मिड पॉइंट है बाहर ड्राइंग के लिए अंदर में। देखो ए डी का मिड पॉइंट है ई, ए डी का मिड पॉइंट है ई, और ई को बी से ऐसे ज्वाइन किया गया, बी से ई को ऐसे बी से ज्वाइन किया गया, ठीक। और डी से एक लाइन आया, डी से जो ई बी के पैरेलल है, डी से एक लाइन होगा जो ई बी के पैरेलल है। जब ए बी प्रोड्यूस करेंगे आगे तो उस लाइन को एफ पर मीट कर रहा है, और बी सी को एल पर मीट कर रहा है, समझा ना। ई मिड पॉइंट दिया है, देखो क्या क्या दिया हुआ है, हम यहाँ लिख देते हैं। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ई है मिड पॉइंट ऑफ ए डी, और डी एफ पैरेलल है ई बी का, ठीक है। तो देखो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ए एफ इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ डी सी। ए एफ इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ डी सी, बस है ना। क्या हुआ एकदम से आपने वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए। नहीं बढ़िया तो बोलना। बन जाएगा ना, सोच लो। हेलो, बन रहा है क्या बन रहा है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा ना इसमें। हाँ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, पहले तुमको ये लाना होगी CACDL से, पहले तुमको ये लाना होगी L मिड पॉइंट है। तुमको क्या करना होगा?
एल मिड पॉइंट लाना होगा, एल मिड पॉइंट लाना होगा। हाँ उससे क्या होगा? अच्छा बिना मिड पॉइंट लिए बना देगा ना। चलो बना तो काम करिए सर, आप ही बना दीजिए। है तो तुम कॉन्वर्ट कैसे प्रूव करेगा, करो। नहीं हो रहा ना, एक हम खेली प्रूफ कर भी देंगे कि चलिए वहां जो सीएलडी इज इक्वल टू एंगल बीएलएफ, हाँ वर्टिकुलर उसके होते क्या हैं, करेंगे? उसके बाद ये हाँ उसका है क्या एंगल, करेंगे? उसके बाद ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये अल्टीमेट साइड हाँ इंटीरियर अच्छा एंगल, ये भी हो जाएगा, उसके बाद दो एंगल हो गया। अब उसको साइड हाँ मिड पॉइंट लाना होगा उसको। हाँ तो मिड पॉइंट लाने के लिए ही सारा काम करना है, वही थोड़ा सा टफ है, उसके बाद तो आसान है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ई मिड पॉइंट दिया है ना। हेलो, अब देखो बी एल डी ई, बी एल डी ई इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकता है क्या, क्या प्रूफ कर सकते हैं? पैरेललोग्राम। एक पैरेलल है ही और ये भी पैरेलल होता ही है। हाँ ये तो पैरेलल ही है। हाँ हाँ बी एल इज पैरेलल टू ई डी एंड ई बी इज पैरेलल टू डी एल, ये गिवन है। तो ये हो गया पैरेललोग्राम, तो बी एल डी ई इज अ पैरेललोग्राम। जैसे ही पैरेललोग्राम हो गया इसका अपोजिट साइड इक्वल होता है ना, तो ई डी इक्वल टू बी एल होगा। अब देखो ई डी इक्वल टू बी एल, और ई डी को लिख सकते हैं क्या ए बी बाई टू, हेलो ई डी को लिख सकते हैं क्या ए बी बाई टू, क्योंकि ई मिड पॉइंट है। देखिए हाँ अरे तो ई मिड पॉइंट दिया हुआ क्वेश्चन में, तो ए डी इक्वल टू ए डी ए ही हो ही जाएगा, तो ए डी ए बी बाई टू नहीं ए डी बाई टू, इसलिए तुम जवाब में दे रहा था ना, तो ए डी बाई टू, ए डी बाई टू क्योंकि ई डी है ना, वो पूरा ए डी हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा ए डी। तो यहाँ पे हो गया ए डी बाई टू इक्वल टू डी एल, और ए डी किसका इक्वल है बी सी का, तो ए डी बाई टू के प्लेस लिखते हैं बी सी बाई टू इक्वल टू बी एल। ठीक है यहाँ तक, जब बी सी बाई टू इक्वल टू बी एल हो गया तो इससे ये बात क्लियर हो गया ना कि एल इज मिड पॉइंट। हो गया ना एल मिड पॉइंट। कहाँ तक लिखा है अब लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, अब कंप्लीट कर देंगे। हाँ, अब देखो एल मिड पॉइंट आ गया, अब तो प्रूफ कर लेगा तुम कि बी एल इक्वल टू सी एल, और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो दोनों ट्रायंगल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। बी एल एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एल डी, किस क्राइटेरिया से? ये होगा, क्या नाम था उसका, दो एंगल है उसका बीच में एक साइड आ गया एंगल साइड। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया हम लिख सकते हैं क्या एफ बी इक्वल टू बी सी, बोलो। हाँ अब देखो अब लिखना है ए एफ को, ए एफ इक्वल टू लिखेंगे ए बी प्लस बी एफ, लिखेंगे ना ए बी को लिख दो डी सी और बी एफ को लिख दो डी सी, तो ए एफ इक्वल टू आ गया टू डी सी।
दिक्कत हो गया प्रूफ, देखा इसको बोलते हैं टैलेंट, जो तुम्हें कब आएगा पता नहीं। चलो छापो, हो हाँ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक ट्रायंगल पहले बना लेते हैं। ये चैप्टर कब खत्म होगा? ये चैप्टर और चलेगा क्लास, बहुत बोरिंग है ना। देखो बहुत इसमें दिया हुआ है, अच्छा ये नेमिंग पैड देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, और जो ए बी ए है, बी ए को आगे ऐसे प्रोड्यूस किया गया है, ऐसे आगे बी ए को ऐसे आगे प्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद सी से एक लाइन ड्रॉ किया गया है, सी से एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो बी ए के पैरेलल है। सी से एक लाइन है जो बी ए का पैरेलल है ऐसे। और ए से देखो ये जो एंगल है ना, एक्सटर्नल एंगल ये वाला, इसका एक बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। भगवान दोनों मीट किया पी पर, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर वो होगा। तो ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल होगा ऐसे। अब देखो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ए बी सी पी, देखो ए बी सी पी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी ये सी पीछा पी क्यों नहीं छोड़ता? इज अ पैरेललोग्राम। बहुत आसान है, ए बी सी पी। अच्छा ये पहले थे।
बन गया। एक मिनट, 2-3 मिनट रुके एक्चुअली। खाली किसी तरह बीसी इस पैरेलल टू ए पी कर हाँ दीजिए, उसके बाद हम बना लेंगे। ऐसा ही सब बच्चा बोलता है। क्लास 9 में बहुत ज्यादा ज्योमेट्री वगैरह है, हाँ प्रूफ करने वाला क्लास 9 में बहुत ज्यादा है। उसके हमको बाद वही फिर नहीं आसान पसंद है। आसान है। क्यों नहीं पसंद है? एग्जाम में यही सब आता है। और ये जो चीज है अरे ना बहुत मैथ ड्रामा में, लगता है। अरे तो यही मेन होता है मैथ का। जिसको ज्योमेट्री आ गया ना उसको मैथ में कभी दिक्कत नहीं होगा। और फिर भी तुम्हारा तो ठीक भी है, जो बताते हैं समझ जाता है, बहुत बेटा समझता भी नहीं है। क्लास 11 में एक टॉपिक होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें ये ज्योमेट्री का बहुत यूज होता है। वो सब स्टूडेंट उसमें फेल हो जाता है जिसको ये सब चीज़ समझ में नहीं आता है। इसमें थोड़ा मेहनत लगता है, करो अच्छा रहे। क्या तुम इसको इग्नोर कर रहे हो, हल्का लेके चल रहा है? टेस्ट लेंगे तो हमको ना लगता है 10 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन टेस्ट होता है ना, इसमें 5-6 क्वेश्चन तुम बना पाएगा, हम नहीं लगता है। देखो बनाते हैं, ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये मान लो एंगल 1, ये मान लो एंगल 2। देखो ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है ना, जब ए बी इक्वल टू ए सी है तो ट्राइंगल कैसा हो गया, इसोसेलस। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी है गिवन। ठीक, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों? क्योंकि गिवन है एंगल बाइसेक्टर। अब देखो जब ये ट्रायंगल ऐसे होता है और इसको जो एक साइड पे आप प्रोड्यूस करेंगे, ये होता है एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल 2 और ऑफ नीचे का दो एबी एंगल इंटीरियर इक्वल होगा। पर। हाँ, इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसका इक्वल होगा? एंगल 3 प्लस एंगल 4 हाँ, इसको कौन सा प्रॉपर्टी बोलेंगे? एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। हाँ, तो देखो एंगल 1 और 2 तो इक्वल है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 लिख सकते हैं क्या? बोलो। एंगल हेलो। बाइसेक्टर है वो, एपी एपी हाँ एंगल एंगल, बाइसेक्टर है। हाँ हाँ क्वेश्चन में तो दिया हुआ है एपी एंगल बाइसेक्टर, बोले तो सही, उस समय से इतना ही हाँ चलेगा। हाँ हाँ अब देखो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है यहाँ पे, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 को क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4। ठीक, अरे 3 प्लस 4 को 2 टाइम्स ऑफ 4 लिख देंगे क्योंकि 3 और 4 इक्वल है। अब देखो 2 2 कट हाँ गया ठीक। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 आ गया। उसके बाद लिखेंगे कि एंगल 2 और 4 क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब ना दिस इज ट्रांसवर्सल, सो बी सी इज पैरेलल टू ए पी। क्या फिल तो हो ही गए। जैसे बी सी पैरेलल टू ए पी आ गया, तो बी सी पी ए या ए बी सी पी, ये जो पैरेललोग्राम, क्योंकि टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, लिखना है रीजन के साथ। अब लिया, आप लोग छाप रही है।
कभी कभी बिना बोले 40 मिनट से ज्यादा चलता है। हो गया ना? एक मिनट, यू कैन स्टार्ट नाउ। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला बनाना आसान क्वेश्चन दे रहे हैं। चार, वो तो क्वेश्चन के बाद ही पता चलेगा आसान है कि हार्ड। ये कोई पैरेललोग्राम है जिसका नेमिंग है ए बी सी डी। ई मिड पॉइंट है ए बी का, ई मिड पॉइंट है ए बी का, और ई को अगर सी से ज्वाइन करेंगे ना तो ये एंगल सी को बाइसेक्ट करेगा। तो लिख दे रहे हैं ई सी बाइसेक्ट्स एंगल सी और ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट ऑफ ए बी और डी को ई से ज्वाइन कर दिया गया, डी को ई से ज्वाइन कर दिया गया। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल सी ई डी इक्वल टू 90 डिग्री। देखा बोले थे ना बना लेगा तुम, आसान क्वेश्चन दे रहे हैं। बन जाएगा ना? देखते हैं। चलो अच्छा, जो ईडी वो एंगल डी को बाइसेक्ट करता है, ईडी जो है वो एंगल डी को, ईडी ईडी नहीं करता है। अगर तुमको लाना है तो प्रूफ करना पड़ेगा। वही तो लाना है, वो प्रूफ कर देगा तो बन जाएगा। जितना दिमाग लगाना था लगा लिया। शुरू करिए। जब जब करता है तो बहुत मजा आता है। नंबर वन मान लिए इसको, इसको टू, इसको थ्री, इसको फोर, इसको फाइव और इसको सिक्स। तो दिक्कत यहाँ तक। अब देखो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू कैसे गिवन, ठीक?
बोलो ना ठीक, हाँ बोलो हाँ। हाँ और एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री कैसे है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक। ये दोनों से क्या बोल सकते हैं कि एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री? सो बी ई सी इज आइसोसेलस हो जाएगा ना। एंड डी इक्वल टू बी सी, कोई दिक्कत? अरे आइसोसेलस है तो ये दोनों साइड इक्वल होगा ना। अब देखो बी क्या होगा, बी ए बी बाई टू होगा ना। इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी सी। अब बी सी किसका इक्वल है? ए डी का। तो ए डी बाई टू इक्वल टू लिख देंगे ए डी, और ए बी बाई टू को क्या लिखेंगे? एक और चीज, ए बी बाई टू को, क्योंकि ई मिड पॉइंट है, को यही लिख सकते हाँ ए इक्वल टू आ गया ए डी। इससे क्या पता चलेगा कि एंगल फोर इक्वल टू एंगल फाइव? बोलो। हाँ तो एंगल हाँ फोर इक्वल टू एंगल फाइव आ गया। अब एंगल फोर इक्वल टू एंगल सिक्स, बोलो कैसे? क्या बात कर रहा अच्छा है? हो गया। हाँ वो भी होगा। तो ये दोनों इक्वेशन से क्या बोल सकते हैं, क्या इक्वल टू क्या? अच्छा एंगल फाइव इक्वल टू, क्या ही बोल सकते हैं आप। एंगल बोलो। हाँ सिक्स एंगल फाइव इक्वल टू एंगल सिक्स, जैसे एंगल फाइव इक्वल टू एंगल सिक्स आया उसके बाद एंगल बाइसेक्टर प्रूफ हो गया ना, बन जाएगा ना। बन जाएगा। हेलो, एक एक बार में जवाब दो। हाँ सोच रहे थे कि बन जाएगा या नहीं बनेगा। रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वीडियो ऑन करके देखते हैं तुमको कि क्या तो नहीं नौटंकी कर रहा है। अभी भी कैसे ही बनेगा। हम से अरे तो एंगल बाइसेक्टर आ गया ना, तब एंगल हाँ सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। ठीक। अब आगे कर लो, हाँ ठीक समझ गया। जल्दी लिखो, खुद से बनाने की कोशिश करो, जहां फंसेगा पांचवें देख डिजिट लेना। तुरंत लिख रहे हैं। हाँ ठीक,
कर लिया टाइम पास। एक और क्वेश्चन देंगे लास्ट, लिख रहे सर। हाँ लास्ट क्वेश्चन देंगे, जल्दी करो। देख ही रहेंगे। हाँ वो देख ही रहेंगे। ठीक है सर, बायोलॉजी क्लास हुआ क्या आज, कितने बजे से? बायोलॉजी क्लास जैसे नॉर्मल तो 5:30 से रहता है। ठीक क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल आपका पैरेललोग्राम इज 1 ऑफ इट्स एंगल्स इज 30 डिग्री लेस देन ट्वाइस द The smallest angle. तीन मिनट दिए। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक लग रहा है। हाँ इसीलिए तो बोले लास्ट क्वेश्चन देंगे, आसान क्वेश्चन है, ताकि हैप्पी एंडिंग होना चाहिए ना। लंबा चैप्टर ही है वाला। इसमें आगे एक और थ्योरम, एक दो थ्योरम है, इसलिए हो सकता है कि 70 डिग्री, एक एक मिनट, 70 डिग्री, 70 डिग्री, 110 डिग्री, 110 डिग्री, ठीक हाँ है। सही है। हाँ सही है, तो आंसर हम लिख देते हैं यहाँ पे 70 110, फिर 70, फिर 110। इतना जल्दी बना तो नहीं लिया होगा, इतना जल्दी नहीं तुम सर, ये बना वाला तो बना नहीं। है, वो भी बिना कॉपी किताब, बिना कॉपी छुए, कॉपी पेन बिना छुए बना है। तो ठीक है, ठीक है, चलो क्लास खत्म करते हैं। लेकिन ये चैप्टर खत्म होने में और मेरे ख्याल से 2 से 3 क्लास लगेगा, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत सारा थ्योरम ही बचा हुआ है। ठीक, आराम से सीखो, प्रैक्टिस करो, 2-4 क्वेश्चन अरे बनाया सर, करो। स्टार्ट ही कहा कि सर लास्ट में इसको करते। नहीं ना, क्योंकि इससे रिलेटेड आ जाएगा, इसीलिए करना पड़ा। ये बोल रहा है कि एनसीईआरटी से 5 सवाल इस चैप्टर से बना के भेज देना हमको। एनसीईआरटी में इस चैप्टर का कितना आपको एक्सरसाइज है ना, भेजेंगे। हाँ एक्सरसाइज में कितना क्वेश्चन है, वो फोटो हम देखना चाहते हैं। उसके बाद 5 क्वेश्चन बना ठीक के है, 5 क्वेश्चन भेजना, बना के आपको भेज देंगे। पूरा एक्सरसाइज पर भेजना हमको कितना क्वेश्चन है। ठीक,